नमस्कार, हम कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिलकर आया है। हमारी जो यात्रा हुई थी उत्तर प्रदेश में, किसानों की यात्रा, उसमें किसानों ने तीन चीजें मांगी थी, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और सही दाम, अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। हम प्रधानमंत्री जी से मिले और हमने उनसे कहा कि हिंदुस्तान के किसानों ने उनको कर्ज माफ करने का कहा है, इसके बारे में कहा है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। पंजाब के हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, यूपी के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कर्नाटका की बात उठाई गई, महाराष्ट्र की बात उठाई गई, सबने कहा कि किसान दबा कुचला हुआ है, हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है। तो हमने प्रधानमंत्री से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान के किसान को राहत दें, मदद करें और कर्जा माफ करें। अंग्रेजी में बोल देता हूँ, वी मेट द प्राइम मिनिस्टर, डेलीगेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ऑन द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। फार्मर्स आर कमिटिंग सुइसाइड एवरी सिंगल डे, फार्मर इज कमिटिंग सुइसाइड इन पंजाब, फार्मर्स आर कमिटिंग सुइसाइड ऑल ओवर द कंट्री। द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन व्हीट, दिस इज अ डेविस्टेटिंग ब्लो। So we went to the Prime Minister to request him on behalf of the kisans of this country ki unka karza maaf kiya jaye, that their loan should be waived. That was the purpose of the meeting.